अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है आशिर रहमान। आज हम किताब पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है आस, जो लिखी है असमा तारिक साहिबा ने। तो इसके दो चैप्टर हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं। इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जिसका उन्वान है रोना भी एक आर्ट है। चलें जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। रोना भी एक आर्ट है, एक फ़न है, और कुछ लोग इस फ़न से इस कदर शनासा होते हैं कि आप भी इनकी महारत की दाद दिए बगैर रह नहीं सकते। कुछ लोग तो रोते भी इस कदर पुर लतीफ तरीके से हैं कि अगर आप उन्हें कभी देख लें रोते हुए तो कुर्बान जाए बगैर रह ना पाएंगे। और आप शगुफ्तगी से भरपूर रोना, और कुछ लोग इस कदर बेढंगे और बेसुरे तरीके से रोते हैं कि अगर आप उन पर पहले कुर्बान जा चुके हैं तो आप पछता रहे होंगे। जी हाँ, रोने के भी सुर होते हैं। कुछ लोग बगैर आंसू के रोते हैं, इनकी आवाज़ ही इनका रोना है। इस कैटेगरी में अमूमन बच्चे और खासन खास कुछ मर्द और ख़वातीन शामिल हैं जो हालात के मारे हर वक्त रोते रहते हैं। और कुछ लोग इस कदर आंसू बहाते हैं कि आपको दहम होने लगता है कि आप सैलाब आया है अब आया है। इस कैटेगरी में खवातीन आम और ख़ास दोनों लिहाज से शामिल हैं। ये लोग मगरमच्छ के आंसुओं को आइडल मानते हैं। जहाँ रोना आर्ट और फन है, वहीं एक हथियार भी है। जहाँ सब हथियार काम देना छोड़ जाएं, वहाँ ये हथियार इस्तेमाल किया जाता है, और ये हथियार अमूमन काम देता है। इस हथियार को इस्तेमाल करने वाले सारफीन में बच्चे और ख़वातीन सरफरिस्त हैं, और ये सारफीन इसके इस्तेमाल से बखूबी वाकिफ भी हैं। जब बच्चे को लगता है कि इसकी बात नहीं मानी जाएगी तो वो रोना शुरू कर देता है। और रोने की ये खासियत है कि ये अपने प्यारों की आंखों में देखा नहीं जाता, फिर माँ बाप को बच्चे की बात माननी ही पड़ती है। इस तरह ये ख़वातीन का भी हथियार है, वो इसके इस्तेमाल से अपनी बात मनवाना खूब जानती हैं। बेटी हो या बहन हो, बीवी हो या माँ, सब इसके इस्तेमाल से वाकिफ हैं। और कुछ ख़वातीन तो इस कदर पक्की सारिफ हैं कि वो तो बात भी करें तो उनकी आँख से आंसू छलकने लगता है, और कुछ तो गम हो या खुशी रोए बगैर रह ही नहीं सकते। अब तो मर्द भी रोते हैं। कभी कहा जाता था कि मर्द को रोना जेब नहीं देता, मगर फिर मर्दों ने इसके खिलाफ तहरीक चलाई कि हमें भी हक दिया जाए, इसलिए अब मर्द भी दिल खोल कर रोते हैं। कुछ का सारा रोना तो ऊपर वाला रोना है, और कुछ होते ही नाजुक मिजाज हैं, इनका अपना रोना होता है। वैसे रोना कोई बुरी बात नहीं है, और हम तस्लीम करते हैं कि मर्द हो या औरतें या बच्चे हों, हर एक का बुनियादी हक है। मगर ये रोना इस कदर रोना ना हो तो लोग तंग आ जाएं, इस तरह रोना रोने वालों में भी फ़र्क होता है। आपने किसी हसीना को रोते हुए कभी देखा हो तो मालूम होगा कि इसके रोने में भी अदा है। इसी तरह रोना भी आपके घर घराने और तौर तरीकों का पता बताता है, और आपको एक तहजीब याफ्ता और गैर तहजीब याफ्ता के रोने में फ़र्क मिलेगा। कुछ लोगों के रोने में इस कदर अट्रैक्शन होती है कि दूसरे भी रो पड़ते हैं, इन्हें भी वो दर्द अपने अंदर महसूस होता है। इस फन में महारत रखने वाले अदाकार और बीवियां भी हैं। इस तरह रोना रस्म भी है, जैसे किसी के मरने पर रोना, और इस रोने में खानदान की कुछ खवातीन ने PhD की कर रखी होती है। इन्हें दुख हो या ना, मगर रो रो कर आसमान पर सर पर उठा लेती हैं। और रुखसी पर रोना भी रस्म है। कहा जाता है कि दुल्हन इसलिए रोती है कि आगे दूल्हे को रुलाना है। खैर, ये एक मजाक है। वो बेचारी तो अपने वालिदों सगों से बिछड़ने पर रोती है, मगर आजकल इस मेकअप की वजह से एहतियात बरतनी पड़ती है। जहाँ रोना फन और हथियार है, वहीं रोना एक नेमत भी है, जिससे कई दिल के बोझ आंसुओं में बदल कर धुल जाते हैं और इंसान को हल्का फुल्का कर देते हैं। खुदा की याद में रोना तो निजात और खालिक के करीब कर देता है, और हर गम में छुटकारा भी है। अपनी गलतियों की माफ़ी की खातिर रोना भी किसी नेमत से कम नहीं जो आपको पाक साफ कर देता है। अब तो मेडिकल साइंस भी इस बात का एतराफ़ करती है कि रोना एक नेमत है, नेमत से कम नहीं। आंखों की को साफ करता है, वहाँ इमोशन को के कंट्रोल में भी अहम किरदार अदा करता है। शिकवे शिकायतों से भरा दिल, मलाल और अफसुर्दगी से भरा दिल, अगर रो ले तो उसे अफाका मिल जाता है। हाँ, आजकल तो आम आदमी से लेकर अफसरान तक, ताजरों से सियासतदानों तक सब रो रहे हैं। कोई हालात को रो रहा है, कोई अपने आप को रो रहा है, कोई दूसरों की हरकत और सकनात पर रो रहा है। हुकूमतें अपोजिशन को रो रही हैं, और अपोजिशन हुकूमत और आवाम हालात को रो रही है, और हालात मुल्क को, और इस तरह चल सो चल ये रोना जारी है।
और ये सब पढ़कर तो मुझे भी रोना आ गया। लें जी, ये हमारा हुआ चैप्टर ख़त्म, और इंशाल्लाह कल मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अल्लाह हाफिज़। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।